Hi guys, welcome to Knowledge of Physio Classes. I am Atul Shastri. Now I will just taking this. We will just discuss about the hydrotherapy. Okay, hydrotherapy. This topics comes under the kinesiotherapy. Okay, so in that particular sense, in this video, this is all about the part one video. Okay, this is all about the introduction, its goals, indications and physical properties. बस इतना ही देखने वाले हैं, बाकी कुछ भी नहीं. अब जैसे कि ये एक डायग्राम है, आप इस डायग्राम को देख सकते हैं. इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं. देखो, यू कैन सी, आई विल जस्ट मेक इट आउट इन द स्लाइड शो. या सो यू कैन सी, ये एक आदमी है और यहाँ पे ये खड़ा हुआ है और ये हाथ इसने इधर पकड़ा हुआ है और ये हाइड्रोथेरेपी कर रहे हैं. ठीक है, I will show you the slides of other one also. Now we will start with the introduction part. Okay, introduction, indication. इस वीडियो में हम देखने वाले introduction, इसके goals, इसके indications और इसकी physical properties. ठीक है, इंट्रोडक्शन में हाइड्रोथेरेपी में हाइड्रो मतलब पानी होता है. ग्रीक वर्ड है हाइड्रो, मीन्स वॉटर. ओके, मतलब पानी. Yeah, I will moving out the cursor. Make sure that you like, share and subscribe to my YouTube channel to never miss an update from my channel. Okay, so hydro means water, as you know. Then therapy मतलब therapy होते हैं, यानी कि to heal करना है ना. तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होता है. Application of water internally or externally for the treatment of physical or psychological dysfunction. हाइड्रोथेरेपी को एक्वेटिक एक्सरसाइज थेरेपी भी बोलते हैं. अब इसको मुझे बताने की खास जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. देखो, एक्वेटिक मतलब पानी. ठीक है, पानी मतलब एक्वेटिक. और ये एक्सरसाइज थेरेपी, दैट्स इट. रेफर्स टू द यूज ऑफ मल्टी डेप्थ इमर्जन पूल्स. अब आप देख ही रहे हो कि कई सारे डेप्थ वाले पूल्स होते हैं. अपने अपने डेप्थ अलग अलग होती है. टैंक्स होते हैं दैट फैसिलिटेट द एप्लीकेशन ऑफ वेरियस एस्टैब्लिश्ड थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस इंक्लूडिंग स्ट्रेचिंग, जॉइंट मोबिलाइजेशन, स्ट्रेंथनिंग. इसमें स्ट्रेचिंग भी हो सकती है, जॉइंट का मोबिलाइजेशन बहुत अच्छे से हो सकता है और स्ट्रेंथनिंग. ओके, नाउ विल कम अक्रॉस द इंडिकेशंस फॉर द हाइड्रोथेरेपी. नाउ सी, मस्कुलर प्रॉब्लम्स, बोनी और स्केलेटल प्रॉब्लम्स और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स. अब आपको पता है कि अगर मसल में पेन है या बोनी में प्रॉब्लम्स है, स्केलेटल में प्रॉब्लम्स है, कुछ इंफ्लामेटरी प्रॉब्लम्स है, इंफ्लामेशन है, जैसे इडेमा वगैरह हो गया, आर्थराइटिस वगैरह है ना. सी, मस्कुलर में काफी ज्यादा वीकनेस है तो आप हाइड्रोथेरेपी के लिए यूज कर सकते हो. मसल स्पैज्म है ना, बहुत ज्यादा चमक आती है, टाइटनेस और कॉन्ट्रैक्चर ऑफ मसल्स. ये सारा जो मसल का प्रॉब्लम अगर आपको होगा तो यू कैन गो विद दैट ऑफ हाइड्रोथेरेपी. ओके, इंडिकेशंस मतलब ये क्या है, क्यों है, ये क्या कारण हुआ कि हाइड्रोथेरेपी बनाया गया. हाइड्रोथेरेपी ये किया क्योंकि वो एक्वेटिक हम एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, पर एक्वेटिक में एक्सरसाइज करेंगे तो उससे फायदा ही होगा. बोनी और स्केलेटल प्रॉब्लम जैसे इंफ्लेमेटरी कंडीशंस ऑफ स्पाइन, जो स्पाइन है उसका इंफ्लेमेटरी कंडीशंस, आर्थराइटिस करना वेरियस जॉइंट में और पोस्ट फ्रैक्चर स्टिफनेस. फ्रैक्चर हो जाता है तो कई बार आदमी जो है वो एक ही जगह पे बैठा रहता है तो काफी ज्यादा स्टिफनेस आ जाता है उसको. तो हम क्या करते हैं उसके लिए, हाइड्रोथेरेपी कर लेते हैं. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द आर्थराइटिस और वेरियस जॉइंट एंड लाइक दैट. Then, तीसरा पॉइंट आता है न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स. पैरालिसिस हो चुका है, जैसे कि पोलियो हो गया, उसको हो गया, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है या ब्रेन इंजरी है, किसी का भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, उसको जो भी कुछ इंजरी है उसको थोड़ा सा हील करने के लिए, उसका ब्लड सर्कुलेशन और बढ़ाने के लिए, ये सारा इंडिकेशन है. गोल्स देखो, अब ये आर ओ एम शायद आपको ना समझे. See, facilitate ROM exercises, initiate resistance exercises. ROM मतलब range of motion होता है बेटा, facilitate range of motion exercise. जितने भी motions है उसके range जो है वो बढ़ाने के लिए facilitate करना. जैसे कि अगर मेरा 120 degree था लेकिन मैंने रोज hydrotherapy किया, रोज किया और मैंने 150 degree पर shoulder का जो है वो angle बनाया. ठीक है, तो like that it will be there, range of motion. Initiate resistance exercise. Actually, water is acts as a resistance, है ना? तो resistance exercise कर रहे हैं.
देन देयर इज अ फैसिलिटेटेड वेट एक्सरसाइजेस, उसमें हम पर्टिकुलर वेट भी डाल सकते हैं पैरों में या हाथ में, जब आप हाइड्रोथेरेपी कर रहे होते हो तो वेट एक्सरसाइजेस भी होता है। फैसिलिटेटेड कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेस, कार्डियोवास्कुलर अगर किसी को प्रॉब्लम है तो हम उसको वो कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेस देते हैं पेशेंट का रिलैक्सेशन के लिए भी। ये 5 चीजें आपको समझनी है, एक तो रेंज ऑफ मोशन हो गया, रेजिस्टेंस एक्सरसाइज हो गया, वेट एक्सरसाइज, कार्डियोवास्कुलर, पेशेंट रिलैक्सेशन। कम्स टुवर्ड्स द लास्ट पार्ट व्हिच इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, एंड आई विल टेलिंग यू दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर कैन बी आस्क्ड। देखो बायंसी तो आपने बचपन से पढ़ के आ रहे हो तो उसका मुझे इतना ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, लेकिन तब भी मैं बता दूं बायंसी कुछ नहीं, सिर्फ वर्ड फोर्स होता है दैट वर्क्स अपोजिट टू ग्रेविटी। मतलब अगर ग्रेविटी डाउनवर्ड है तो वो अपवर्ड हो गया, यानी ऊपर की तरफ हो गया, समझा क्या? सो प्रोवाइड द पेशेंट विद रिलेटिव वेटलेसनेस। और जो बायोन्सी होता है, बायोन्सी एक फोर्स है, और ये फोर्स की वजह से हम क्या हमारा क्या हो जाता है कि पानी अगर नहीं है तो बायोन्सी भी नहीं हो सकता, इतना समझ लो, है ना? पानी अगर नहीं है तो विस्कोसिटी नहीं हो सकता, पानी नहीं है तो सरफेस टेंशन नहीं हो सकता, हाइड्रोमैकेनिक्स नहीं हो सकता, पास्कल लॉ नहीं हो सकता, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर नहीं हो सकता, टेम्परेचर नहीं हो सकता। So like that it will be go on and on and on. तो अपवर्ड ये फोर्सेस का लगेगा, पेशेंट को इतना ज्यादा वेट नहीं, हैवी नहीं होगा, अपने आप ऊपर आ जाएगा। अगर वो नीचे डूबने की कोशिश करेगा तो ऊपर ऊपर आ जाएगा। तो ये क्या है, बायंसी का फोर्स उस पर एक्ट हो रहा है। ज्वाइंट अनलोडिंग अलाइन परफॉर्मेंस ऑफ एक्टिव मोशन इजिली, ओके, एक्टिव मोशन इजिली। इफेक्ट ऑफ बायंसी फोर्स हेल्प्स टू मेक एक्सरसाइजिंग इन वॉटर कंफर्टेबल फॉर पेशेंट। बायंसी का फोर्स की वजह से पेशेंट काफी अच्छे से रहता है। लॉस्ट बॉडी टिश्यू आफ्टर ए डिबिलिटिंग डिजीज, अगर उसको कुछ बीमारी है या मसल एट्रोपी है सर्जरी के बाद कुछ प्रॉब्लम्स है तो हम उसको क्या करते हैं, ये थेरेपी दे देते हैं, बिकॉज देर इज नो लोकलाइज प्रेशर और ब्रोनी प्रोमिनेंस ऑफ द पेशेंट। ओके, नाउ आई विल जस्ट टेलिंग यू द बायंसी, है ना? सी नाउ इफ यू कैन सी द डायग्राम, यू कैन सी ऊपर में अपवर्ड फोर्स लग रहा है असिस्टेड बाय बायोएंसी और रेजिस्टेड बाय बायोएंसी, ठीक है? नीचे की तरफ बायोएंसी बिल्कुल भी एक्ट नहीं करता, ऊपर की तरफ ही एक्ट कर रहा है। अब सपोज ये एक पेशेंट है ना, इस पेशेंट को हमने किया तो ये एक्सरसाइज हम जब दे रहे हैं तो उसको मल्टीपल डिसऑर्डर्स, डिसीजेस, सर्जरीज हुए होंगी, कुछ भी हो सकता है, उसके लिए हमने हाइड्रोथेरेपी दिया है उसको, तो बायोएंसी की वजह से अपने आप ऊपर आ जाएगा और देयर इज नो एज सच प्रॉब्लम्स। ओके, जस्ट आई हैव टू टेल यू, सी विस्कोसिटी, इट इज फ्रिक्शन ऑकरिंग बिटवीन, फ्रिक्शन घर्षण पैदा होता है कहाँ पे, मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड रिजल्टिंग इन रेजिस्टेंस टू फ्लूइड क्रिएट्स रेजिस्टेंस टू ऑल एक्टिव मूवमेंट्स। विस्कोसिटी यानी कि घर्षण आना मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड्स में, कई सारे लिक्विड में कई सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, एज यू हैव नो दैट देयर इज अ मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड व्हिच इज प्रेजेंट, ओके, इन रेजिस्टेंस टू फ्लो इट क्रिएट्स रेजिस्टेंस टू ऑल एक्टिव मूवमेंट्स। नाउ वी जस्ट टॉक अबाउट द सरफेस टेंशन, ओके, द सरफेस ऑफ द फ्लूइड एक्ट्स एज अ मेम्ब्रेन अंडर द टेंशन। सरफेस टेंशन इज मेजर्ड एज अ फोर्स पर यूनिट लेंथ, सी extremity that moves through the surface will perform more work than if kept underwater. Will come across the hydromechanics. इसका मतलब है physical properties होना या fluid का characteristic होना motion में। अगर आप motion कर रहे हो characteristic है fluid के तो that is what hydromechanics. Hydro means water, mechanics मतलब characteristics होना fluid का in motion में। Pascal's law. Pascal's law बेटा किसका law होता है? Pressure का, है ना? Equal, a fluid exerts equal pressure on all surfaces of body at rest at a given depth. Pressure increases in proportion to depth of fluid. Hydrostatic pressure, it is the equal pressure. देखो pressure जो होता है ना वो exert हो रहा होता है fluid का सारी surfaces पे, हाँ, सारे surface of body पे हो रहा है rest पे at a given depth. Hydrostatic pressure, पानी पे एक जगह रुका हुआ pressure, it is the प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द इमर्स्ड ऑब्जेक्ट। अगर मैंने एक बॉल को इस पानी में डाल दिया, ठीक है,
तो क्या हो जाएगा, इट अलाउज टेंशन टू बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, टेंशन जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओवर ऑल सरफेस ऑफ द बॉडी. अब कंटिन्यूइंग विद दैट ऑफ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, द प्रेशर इज ग्रेटर इन डीपर वाटर. जितना आप गहरा जाओगे उतना ज्यादा प्रेशर बढ़ते जाएगा और आपको मुश्किलें आएंगी सांस लेने में. लेस नियर द सर्फेस ड्यू टू द फैक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ. हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज्यादा तब होगा जब डेप्थ बढ़ जाएगा तब, और डेंसिटी ऑफ वाटर भी. इंक्रीज प्रेशर रिड्यूसेस और लिमिट्स इफ्यूजन असिस्ट वीनस रिटर्न्स इंक्लूड्स ब्रैकिकार्डिया. यानी कि इससे क्या हो जाएगा, अगर प्रेशर बढ़ गया तो इससे ब्रैकिकार्डिया हो सकता है एंड सेंट्रलाइज यू नो पेरिफेरल ब्लड फ्लो, ये सारी चीजें. वाटर कैन हैव सिमिलर इफेक्ट एज कंप्रेशन डिवाइस बैंडेजेस. सो वाटर के पास जो है वो एक जैसा इफेक्ट हो सकता है. ग्रेटेस्ट इफेक्ट ऑफ ऑकर इन द वर्टिकल पोजिशन. अगर आप वर्टिकल पोजिशन पे है तो ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा. तो वर्टिकल मतलब देखो ये वाला, ये वर्टिकल पोजिशन पे, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा. सो वेन पेशेंट इज अपराइट, दिस इज द अपराइट पोजिशन. ओके, प्रेशर ऑन डिस्टल एक्सट्रीमिटीज ज्यादा. डिस्टल एक्सट्रीमिटीज मतलब यस, ब्रिस्ट पे, सॉरी फिंगर्स पे और यू नो फुट पे ज्यादा प्रेशर रहेगा देन द प्रॉक्सिमल. नॉट टेम्परेचर, अगेन टेम्परेचर पूल का मेंटेन होना चाहिए 35 डिग्री सेल्सियस एंड 36, क्योंकि हमारा खुद का 37 डिग्री सेल्सियस का होता है, तो 35 और 36 इसका आपको मेंटेन करना आपका काम है. एंटायर टाइम पेशेंट इज ट्रीटेड इन वाटर, बॉडी इज वार्म्ड. बॉडी गर्म होनी चाहिए. हाइड्रोथेरेपी मतलब एक्सरसाइज हुआ, तो एक्सरसाइज में हमेशा बॉडी वार्म होनी चाहिए. जब बॉडी वार्म हो जाती है तो रिलैक्सेशन शुरू हो जाएगा, मसल स्पैज्म रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, एक तरह की शेक दिया गया है उसको. इंटर्न्स इंक्रीज द सर्कुलेशन फ्लो, एज आई टोल्ड यू ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा और मूवमेंट ऑफ ज्वाइंट जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ेगा. लेकिन ये एक ही दिन में नहीं होगा ना, आपको ये हमेशा करना पड़ेगा हाइड्रोथेरेपी, तब जाके कुछ फर्क पड़ेगा. इन कॉन्जुकेशन विद ग्रेविटी बायोन्सी. अब हम ग्रेविटी बायोन्सी और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और टर्बुलेंस, हेंस टू रिलीव द बॉडी ऑफ सर्टेन सिम्टम्स, इन सब की मदद से होगा. जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ कुछ चीजें, देखो एक दो और कुछ चीजें आई विल जस्ट लेट यू नो. ओके, सी बायोन्सी एंड आर्किमिडी प्रिंसिपल्स हम बाद में देखेंगे. अभी देखो, हाई स्पेसिफिक हीट एंड थर्मल कंडक्टिविटी, ट्रांसफर हीट बाय कंडक्शन एंड कन्वेक्शन. अब कंडक्शन और कन्वेक्शन ये हीट के टाइप से बेटा, तो उससे वो हीट जो है वो जाएगी. हाई स्पेसिफिक हीट एंड थर्मल कंडक्टिविटी. सो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, स्पेसिफिक हीट और थर्मल कंडक्टिविटी हो रही है, देन ट्रांसफर कर रहा है हीट रैपिडली एफिशिएंटली. इससे क्या हो रहा है कि अगर आप पूल के टेम्परेचर को वार्म करते हो तो बॉडी अगर वार्म होती है तो ज्यादा बेटर रहता है. एडवांटेज ये है कि पूल अगर कोल्डर, पूल कोल्डर देन द पेशेंट बॉडी टेम्परेचर, उसके टेम्परेचर से ज्यादा अगर ठंडा रहा तो इमर्जन डिसिपेट हीट जनरेटेड बाय एक्सकर्शन. सो इमर्शन जो है वो डिसिपेट करेगा हीट को. रेजिस्टेंस, विस्कोसिटी ऑफ वाटर प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू मोशन. अगर विस्कोसिटी है वाटर में तो वो क्या प्रोवाइड करेगा, रेजिस्टेंस टू मोशन. ठीक है, विस्कोसिटी प्रोवाइड करेगा. रेजिस्टेंस ऑकर्स अगेंस्ट डायरेक्शंस ऑफ मोशंस. देन रेजिस्टेंस इंक्रीजेस प्रोपोर्शनल टू स्पीड. मतलब रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड. स्पीड जितना ज्यादा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस. अगर आप तेजी से जा रहे हो पानी में, अगर आप तेजी से जा रहे हो अगर पानी में, तो उतना ही ज्यादा उसको प्रेशर लगेगा, उतनी ज्यादा मेहनत लगेगी, उतना ज्यादा थकावट महसूस होगी. फ्रंटल एरिया ऑफ बॉडी पार्ट इन कॉन्टेक्ट विद वॉटर. So in the lecture of hydrotherapy part 1, we have comes to end of this topic. So we have completed with the introduction, goals, indications and physical properties of water from the knowledge of physio classes. Please like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you. Thank you for listening.